हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले 10-10 पोर्टल की एनर्जी हम चेक करेंगे मेजर अरकाना से और फिर हम क्लैरिफाई करेंगे टैरो से और देखेंगे अगला कदम क्या हो सकता है, इस पोर्टल का इफ़ेक्ट कलेक्टिवली क्या पड़ सकता है। सो शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि पोर्टल गेटवेज क्या होते हैं, 10-10 पोर्टल का इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए, पोर्टल गेटवे क्या है? ये एक तरह से एक डोरवे है जो कि ओपन होता है डिवाइन से। जो पावर्स होती हैं, यूनिवर्स की जो पावर्स होती हैं, वो हमारे तक पहुंचती हैं। उन लोगों के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है जो अलाइनमेंट में पहले से होते हैं, जो उन एनर्जीज़ को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, जिन्हें डिवाइन पावर्स पर बिलीव है, जिन्होंने अपने आप को अवेकन किया है, अपने आप को अलाइनमेंट में रखा है। और असर सबके ऊपर होता है, लेकिन उसे ज़्यादातर रिसीव वो लोग कर पाते हैं और उन एनर्जीज़ को ग्रहण करने के लिए भी आपका बहुत ज़्यादा सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्योर सोल हैं, आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते, आप सत्य की राह पर चलते हैं, आप किसी को धोखा नहीं देते, आप किसी का पैसा रुपया, किसी का चोरी, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं, तो ये एनर्जीज़ आप पर बहुत पावरफुली वर्क करती हैं, बहुत पॉजिटिवली वर्क करती हैं, ठीक है। जो लोग इसके ऑपोजिट हैं, आप किसी की हत्या कर रहे हैं, आप कुछ नॉनवेज खा रहे हैं, आप अपने घर में सात्विक तरीके से नहीं रह रहे हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं है, घर में आपने भगवान को भी रखा है और आप नॉनवेज भी बना रहे हैं या शराब पी रहे हैं, ऐसे लोगों पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता तो है बट इन एनर्जीज़ का बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो पोर्टल गेटवेज जो होते हैं, जो आपके ऊपर असर डालते हैं, इन गेटवेज की एनर्जी को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ पोर्टल गेटवेज का असर आपके ऊपर कैसा होगा, ये आने वाले 10 दिन में आपको दिखेगा। अगर आने वाले 10 दिन में आपके साथ कोई ना कोई ब्लेसिंग्स चलती हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ सुनाई पड़ सकती है, तो आप समझ लें कि ये पोर्टल गेटवे ने आपके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाला है। और अगर इस पोर्टल गेटवे के बाद या दौरान ब्रेकअप हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, सिचुएशंस बहुत ख़राब हो जाती हैं, तो आप समझ लें कि यहाँ पर कार्मिक ट्रिगर्स बहुत पावरफुली आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो कई लोगों के ऊपर 10 नंबर कंप्लीशन का है, 1+0=1, तो 1 नंबर सूर्य का है। और सूर्य क्या है हमारे लाइफ में? न्यू बिगनिंग का नंबर है, पहला प्लैनेट सूर्य है, राजा है सूर्य, हमारी आत्मा है सूर्य, हमारी परिवार है सूर्य, हमारी रेपुटेशन है सूर्य, हमारा नेम फेम है सूर्य, हमारी लाइफ में जो ऑनर है, अप्रिशिएशन है, ये सब है सूर्य, हमारे लाइफ में जो ब्राइटनेस है, जो उजाला है, वो है सूर्य। सूर्य ना हो तो ऑक्सीजन ना हो धरती पर, तो हम जो चल रहे हैं इसके लिए हमें सूर्य को ही धन्यवाद करना चाहिए, हम जो जी रहे हैं इसके लिए सूर्य को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की रोशनी से ही पेड़ पौधे खाना बनाते हैं और पेड़ पौधों की वजह से ही हम जिंदा हैं। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए सूर्य को आत्मा कहा गया है और चंद्र को मन। तो आपकी लाइफ में अगर सूर्य से रिलेटेड अभी मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं इन अ पॉजिटिव वे, तो आप समझ लेना कि 10-10 पोर्टल का पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। और अगर इसके ऑपोजिट चीज़ें होती हैं तो आप समझ लेना कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, जो एक तरह से आपको ट्रिगर मिल रहा है कि आप सुधर जाओ। अब आपको ये नोटिस करना है कि आप कहाँ पर गलत हो। सो लेट्स चेक। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, क्या अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो हम पूजा पाठ नहीं कर सकते? क्या हम नॉनवेज खाते हैं तो हम अलाइनमेंट में नहीं आ सकते? देखिए, भगवान ने तो कहीं नहीं कहा है कि आप नॉनवेज खाइए,
भगवान ने आपको खाने पीने लायक वस्तु दी है। और पुराणों में ये लिखा भी है कि अगर कोई नॉनवेज खाता है तो उसकी पूजा ग्रहण नहीं की जाती है भगवान के द्वारा, ठीक है। तो सात्विक अगर आप रहेंगे तो आपका पूजा पॉजिटिव वे में ग्रहण किया जाएगा। अगर आप तामसिक भोजन करते हैं तो नेगेटिविटीज़ को आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना क्या एनर्जी होगी, कैसा इफ़ेक्ट होगा 10-10 पोर्टल का कलेक्टिवली। 5 कार्ड्स एंजल्स, पहला ही कार्ड यहाँ डेविल का है। कोई आने वाला है क्या बरगंडी? जय हो राधे कृष्णा, जय माँ शक्ति। वी हैव एम्प्रेस ऑल्सो, वन मोर कार्ड एम्प्रेस के साथ। देखिए बॉटम से टावर है, वन मोर कार्ड। कौन आएगा? जय हो सूर्यदेव। आज सूर्यदेव को याद किया और प्रभु आ भी गए। बॉटम से हैं द स्टार, सो हम शुरू करते हैं रीडिंग। यहाँ पर जो साइंस हैं वो हैं क्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, जेमिनाई, पाइसेस, एरीज। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा 10 नंबर है आज, 10-10 पोर्टल है, तो 1+0=1। 9 ही ग्रह होते हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो सूर्य की है, यूनियन की वाइब्रेशन है। बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव इफेक्ट ही दिखेगा, यहाँ पर ऐसी वाइब्रेशन है। बहुत सारे लोगों के पर्सन का इंट्यूशन बहुत पावरफुली वर्क करेगा, इनकी लाइफ में इनको क्लैरिटी मिलेगी, इनकी लाइफ में इनका विजन क्लियर होगा, इनकी लाइफ में इनको दूर का सोचने की क्षमता दी जाएगी कि आप दूर का देखिए, जानिए, परखिए कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, जो भी एनर्जी है। देन वी हैव एम्प्रेस, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। आपके पर्सन अपनी शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन नेगेटिव है इनकी लाइफ में और कौन पॉजिटिव है इनकी लाइफ में। यहाँ पर एक्शन थर्ड पार्टी की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है, और क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ टावर का कार्ड था तो यहाँ पे कोई नेगेटिव एक्शन, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लेट्स चेक, सबसे पहला कार्ड डेविल, क्यों आया है डेविल? झगड़े की एनर्जी है। आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त टाइम बहुत अच्छा नहीं है, कोई ना कोई बर्डन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो हेल्थ इश्यूज़ हैं, या तो झगड़े हो रहे हैं, नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, एंड वी हैव गॉट 10 नंबर। तो यहाँ पर डेविल को क्लैरिफाई किया है कॉन्फ्लिक्ट्स ने। द लवर्स का कार्ड आया है, जय राधे कृष्ण। द लवर्स को द लवर्स ने ही क्लैरिफाई कर दिया विद सेलिब्रेशन एंड मजिशियन। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन निकल रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करके, यहाँ पर थर्ड पार्टी एंडिंग नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपके साथ यूनाइट हो जाएं ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अरे मुझे यहाँ रखना है, और ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ये डेविलिश एनर्जी, यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं आपके पर्सन। और द लवर्स को द लवर्स ने क्लैरिफाई किया, इसका मतलब कि एनर्जी इज़ द सेम। बहुत सारे लोगों का डिवाइन यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पर रिसीव होंगी डिवाइन की तरफ से। कम्प्लीशन ऑफ अ साइकिल यहाँ पर काफ़ी लोगों का इन अ पॉजिटिव वे नज़र आ रहा है, क्योंकि बॉटम से भी है द स्टार, मतलब आपकी विशेस पूरी होंगी इस 10-10 पोर्टल के दौरान भी और इसके बाद भी। हाई प्रिस्टिस का कार्ड क्या बताना चाहता है एंजल्स? डेथ, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा ना, बहुत दूर की देख रहे हैं, दूर की सोच रहे हैं, आप पे नज़र भी रख रहे हैं। एंड वी हैव गॉट सन एनर्जी ऑल्सो हाई प्रिस्टेस के लिए, तो सन की वाइब्रेशन यहाँ पर क्या बता रही है? अबंडेंस, पॉजिटिविटी, आपकी लाइफ में एक्शन और एक बहुत बड़ा चेंज। ये जो 10-10 पोर्टल है ये एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, और ये जो चेंज है ये कैसा है?
मैसिव चेंज है, डिस्ट्रक्टिव चेंज है। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड आया है वो है एम्प्रेस। क्यों आया है एम्प्रेस एंजल्स? डबल नाइन हर्मिट एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स विद द वर्ड एंडिंग ऑफ अ साइकिल। देखिए वर्ड एंडिंग भी है, वर्ड कंप्लीशन भी है, डिपेंड करता है कि किसके साथ एंडिंग है, किसके साथ कंप्लीशन है। तो यहाँ पर नाइन नाइन के साथ आया है तो ये एंडिंग है, राइट? मैंने हमेशा आपको बताया है डबल नाइन एंडिंग को दर्शाता है। तो यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल रिलीज होने वाली है, और सिर्फ आपके पर्सन की ही नहीं, आपकी भी रिलीज़ होगी। आपके लाइफ में भी जो कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होंगे। ट्रिगर मिल सकता है, सफरिंग मिल सकती है, आपके पर्सन को मिल रही है। आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं, आइसोलेशन में है। नियर टू डेथ एक्सपीरियंसेस, मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज, क्योंकि ग्रहण भी आ रहा है और सूर्य ऑलरेडी ग्रहण में थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद चीज़ें पॉजिटिव होंगी। कौन आया था इसके बाद? सूर्य की एनर्जी आई थी। सन क्यों आया है एंजल्स? सन को क्लैरिफाई किया है सिक्स ऑफ कप्स विद एस ऑफ वॉन्ड्स। उन लोगों को जिनके पर्सन ने बोल दिया था कि मैं शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, पीछे हट गया था, बैकआउट कर गया था, कार्मिक साइकिल्स की वजह से मूव ऑन कर गए थे, वहाँ पर चीज़ें वापस से सुधरने वाली हैं। वापस आपके पर्सन आ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशन है। तो मैंने सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दिया है। सॉरी, अभी द स्टार को भी करना है। द स्टार को क्लैरिफाई करें एंजल्स। द स्टार को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। होप रखिए आपके पर्सन जिस सिचुएशन की वजह से छुप रहे थे, पीछे हट रहे थे, बैकआउट कर रहे थे या ट्रैप थे, वहाँ से निकल जाएंगे। वहाँ से ब्रेकअप की एनर्जी है। सो सभी कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है। 10-10 में बहुत सारे लोगों पर इफ़ेक्ट होगा कलेक्टिवली, और ये इफ़ेक्ट कैसा होगा ये आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। जय हो सूर्य देव, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मातारा, जय हो शिव शक्ति। इमीडिएट एक्शन देखते हैं। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है? इंट्यूशन हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस को देखिए एट ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया था ना, याद नहीं मुझे, भूल जाती हूँ मैं। इंट्यूशन को ट्रैप्ड इन फियर ने क्लैरिफाई किया है विद द सन एंड अवेयरनेस। यहाँ पर देखिए इंट्यूशन के लिए जो एनर्जी आई है, इनको गाइडेंस मिल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन को ये फोर्स किया जा रहा है कि ट्रेडिशनल वे में ही शादी करनी है, रीति रिवाज से रहना है। यहाँ पर इनको बंधन फील हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं बुरी तरह से ट्रैप्ड हूँ किसी सिचुएशन में, मेरी नहीं चल रही है। और आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इन सिचुएशन के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए, और ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर अपनी इंट्यूशन की सुन के ही डिसीजन लेंगी या लेंगे। और क्या हो सकता है? इमीडिएट एक्शन, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने वाले हैं आपके पर्सन। क्या प्लानिंग करने वाले हैं? जो भी लोग इनके लाइफ में फियर क्रिएट कर रहे हैं या जिन भी लोगों के साथ ये खुश नहीं हैं, उन सिचुएशन में यहाँ पर हीलिंग रिक्वायर्ड है या ब्रेकअप सिचुएशन की एनर्जी है। अकेले में रह के सोच समझ के कोई बड़ा डिसीजन इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है और उसी डिसीजन को ये आगे लेकर चलेंगे। डबल नाइन अगेन, क्या एक्शन हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ? बहुत सारे हैं, मैं इतने नहीं लूँगी, जो आया है वो लेंगे। यूनियन का कार्ड है। और कोई कार्ड आना चाहता है? डिवाइन इंटरवेंशन, टावर मोमेंट। यूनियन के साथ टावर मोमेंट क्यों आया है?
थर्ड पार्टी रिलीज होगी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा, जहाँ पर हारा हुआ फील कर रहे थे या कंफ्यूज थे उन सिचुएशन से मूव ऑन कर लेंगे, कार्मिक साइकिल से, स्पेशली जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है गाइस, ये एनर्जी 26 घंटे की है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 26 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 8 डेज, मिनिमम 26 आवर्स। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, 10-10 पोर्टल पर क्या मेन गाइडेंस है एंजल्स। सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, पहला गाइडेंस क्लेम करें। योर डीपेस्ट डिज़ायर कंस्ट्रेन यू, लेट देम गो टू क्लियर योर माइंड। बहुत सारी डिज़ायर्स हैं आपकी जो आपने अंदर भर कर रखी हैं, रिलीज़ कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से यूनिवर्स की तरफ, भर कर मत बैठे रहिए। देन वी हैव यू आर कॉट अप इन ड्रामा, एक्ट टू फ्री योर सेल्फ, चेंज एंड ब्लॉसम अगेन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत नेगेटिव लोगों के साथ हैं या बहुत नेगेटिव सिचुएशन में हैं, यहाँ पर ऐसे लोगों को रिलीज़ होना है उन नेगेटिविटी से, उन ड्रामा से, वो रोज़ रोज़ की जो नौटंकीज़ हैं, नौटंकीज़ बोल रहे हैं, नौटंकी है, उनसे रिलीज़ होना है। द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम, बहुत सारे लोगों का जैसा कि मैंने कहा डिवाइन यूनियन है, और यहाँ पर देखिए आप ऊपर 22 है तो यूनियन की वाइब्रेशन है यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जी है नंबर 19, इंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रुथ एंड लर्न टू वैल्यू इट, अपने स्वयं के सोल से जुड़िए, इंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रुथ, अपनी सच्चाई को जानिए और उसको वैल्यू कीजिए। ये वही गुंबद है जो मेरे सपने में आया था ना, वो वाला, क्या कहते हैं, मैंने वीडियो डाली थी माय ट्रैवल व्लॉग्स में, ब्रह्मांड घाट, एग्जैक्टली उसी तरह लग रहा है। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, थैंक यू सो मच। हाँ, इतना ज़रूर कीजिए कि आज के दिन आप स्पेल कीजिए, आज के दिन आप मैनिफेस्ट कीजिए, बट नेगेटिव मत सोचिएगा, जो सोचना है पॉजिटिव सोचिएगा, या तो कुछ मत सोचिए और सोचिए तो पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। अगर आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है डिवाइन को तो उनके भरोसे रहिए, वो अच्छा ही करेंगे। और अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कुछ भी तो पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करिए। मेरा मनी स्पेल, मेरा लव स्पेल सब कुछ दिया हुआ है, आप लव स्पेल या मनी स्पेल मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चक्कर मार लिया कीजिए, बहुत सारे स्पेल्स हैं दोनों वीडियोस, दोनों चैनल्स पे, तो जो आपके लिए लाभकारी है। और भी स्पेल्स डालने के लिए लोग कह रहे हैं तो मैं डालूंगी, कुछ लोग अफर्मेशंस के साथ मेडिटेशन म्यूज़िक डालने को कह रहे हैं वो भी मैं डाल दूंगी, थोड़ा फ्री हो जाऊं मैं, क्योंकि एक्सट्रीमली बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो इन सब के लिए बहुत हील करके बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, अफर्मेशंस ऐसे ही नहीं डाल सकते। तो जैसे ही मैं फ्री होंगी ज़रूर मेडिटेशन आपके लिए डाल दूंगी, वैसे 2-3 तो मेरे डले हुए हैं और भी डाल दूंगी। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय।